हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में। हम बताएंगे कि टीम इंडिया की तरफ से इस मैच में कौन खिलाड़ी खेल सकता है और बांग्लादेश की तरफ से इस मैच में कौन खिलाड़ी खेल सकता है और इस मैच में विनर टीम कौन सी रह सकती है। तो इसके लिए यह वीडियो लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिए। तो पहले भी हम आपको ऐसी जानकारी देते आए हैं और आगे भी ऐसी जानकारी आपको देते रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की, जो थर्ड ओडीआई मैच में खेल सकती है टीम इंडिया। ये थी टीम इंडिया, जो थर्ड ओडीआई मैच में खेल सकती है टीम इंडिया। अब बात करेंगे हम बांग्लादेश की टीम के बारे में। तो यह हैं सिर्फ संभावित खिलाड़ी होंगे इंडिया के और बांग्लादेश के, जो थर्ड ओडीआई मैच में खेल सकते हैं। तो अभी देखिए बांग्लादेश की टीम। अब आपको पता चल गया होगा कि इस मैच में कौन कौन खिलाड़ी खेलने वाले हैं। तो अब बात करेंगे हम फर्स्ट ओडीआई मैच के बारे में। तो फर्स्ट ओडीआई मैच में इंडिया फर्स्ट बैटिंग करते हुए 186 रन पर ऑल आउट हो गई थी, जिसमें केएल राहुल ने 73 रन बनाए थे और शकीब अल असल ने 10 ओवर में 36 रन देकर 5 विकेट चटके थे। बाद में बैटिंग करते हुए बांग्लादेश ने 136 रन पर 9 विकेट गवा दिए थे और 10वें विकेट की साझेदारी ने यह मैच बांग्लादेश को एक विकेट से विन करा दिया था। इसके मैन ऑफ द मैच रहे थे मेहंदी हसन मिजाज। अब बात करेंगे हम सेकंड ओडीआई मैच के बारे में। तो सेकंड ओडीआई मैच में बांग्लादेश ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 69 रन पर 6 विकेट गवा दिए थे 19 ओवरों के होते हुए, और फिर बाद में 148 रन के साझेदारी की महबूबुल्ला और मेहंदी हसन मिजाज ने, और यह लक्ष्य 271 तक पहुंचा दिया। बाद में इंडिया बैटिंग करते हुए 65 रन पर 4 विकेट गवा दिए 18 ओवर और 3 गेंदों पर। बाद में श्रेयस अय्यर और अक्षय पटेल की साझेदारी हुई 107 रनों की, और बाद में यह मैच बांग्लादेश ने सिर्फ 5 रनों से जीत लिया। और इस मैच में रोहित ने विस्फोटक पारी खेली थी, सिर्फ 28 गेंदों पर 51 रन, लेकिन वह भी इंडिया को जीत नहीं दिला सके। और इस तरह इस सीरीज में बांग्लादेश 2-0 से आगे है। अब बात करेंगे हम थर्ड ओडीआई मैच के बारे में, जो कि 10 दिसंबर को खेला जाएगा सुबह 11:30 पर, और इस मैच में रोहित शर्मा नहीं खेलने वाले, उनकी जगह कप्तानी करेंगे केएल राहुल। हम बता दें कि 3 ओडीआई मैचों के बाद में बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे और थर्ड ओडीआई मैच में विनर रहने वाली है टीम इंडिया। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, तब तक हम आपको करते हैं बाय बाय।